सदाशिवम मंदे गुरुम तरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बड़ौदा में यह साधना शिविर लगाने के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी को बड़ा कहलाया जाए। इस उद्देश्य का शिविर इतना ही था कि भाद्रपद मास का अधिक मास था और नर्मदा स्नान हो। एक घटना घटी, नर्मदा स्नान भी हुआ तो गुरुजी अपना ज्ञान चालकों को मिले तो शिविर भी हो जाए, इस माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया गया। सही बात अगर कहलाई जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद अष्टमी, भाद्र कृष्णाष्टमी या भाद्रपद शुक्लाष्टमी, भाद्र शुक्लाष्टमी को राधाष्टमी कहते हैं और कृष्णाष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन इस बीच यह जो अष्टमी कला अष्टमी नवमी है, यह अष्टमी भी कृष्ण की बहन माया की उत्पत्ति का आया और माया का अपने कृष्ण पर दीक्षा देने का विधान कहलाता है। वही माँ, वही माया, माँ काली के रूप में जानी जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान माँ काली का भी उद्भव दिवस मनाया जाता है। साधारणतः कृष्ण जन्माष्टमी और माँ काली का उद्भव दिन भी उसी दिन द्वारका मथुरा आदि में मनाया जाता है। जो शाक्त पद्धति के हैं, शक्ति की उपासना करने वाले हैं, वे उस दिन माँ काली की उपासना करते हैं। तो यह दो भी दोनों का संगम मिलकर आया तो हमने कहा कि इस बार नवकाली साधना शिविर नाम देंगे। नवकाली के बारे में अगर आप गुरु जी का मंत्र रहस्य पुस्तक देखते हैं तो उसमें गुरु जी ने नवकाली को सिद्ध करने वालों का नाम दिया है, जिसमें सप्त महर्षिगण ब्रह्मा विष्णु महेश नारद रावण मेघनाद और स्वयं कृष्ण भी इस साधना के उपासक थे। परम पुण्य सद्गुरुदेव जी का कथन था कि जब तक हम बीज अक्षर का अर्थ नहीं जानते तब तक हमें बीज बोना नहीं आता। क्षेत्र या अगर जमीन है तुम इसमें बीज बोओगे तो वृक्ष होगा, वृक्ष होगा तो उसको फूल फल लगेंगे। लेकिन इस वृक्ष होने से पहले आपको उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे लोग खा जाएंगे या पशु पक्षी से चबा जाएंगे, उसको कीड़ा लग जाएगा, वृक्ष फलते फलते रह जाएगा। यही हमारे हृदय का स्थान है, हमारा हृदय क्षेत्र है, वो जमीन है और जिसमें हम बीजाक्षर गुरु मुख से लेकर बोते हैं उसका फल या उसका वृक्ष तो होगा ही होगा। लेकिन इस बीच इस वृक्ष को बढ़ते बढ़ते हमारे हृदय को आघात करने वाली चीजें, हमारे को कीड़ा पकड़ जाता है हृदय को और लोग तरह तरह के बातें करते हुए भटका देते हैं कि तू किस साधना के पीछे, किस बीजाक्ष के पीछे लगा, और वो उसको हम पानी देना बंद कर देते हैं, वो साधना बंद कर देते हैं और वो वृक्ष बढ़ते बढ़ते उसी तरह सूख जाता है जैसे हम पानी न डालते तो वृक्ष सूखता है। हमारा हृदय क्षेत्र है, बीज गुरु मुख से निकला हुआ है और उसे बोना हमारे हृदय में है और जिसने इस हृदय में उस गुरु का दिया हुआ बीज बोया और उसको निरंतर पानी डालकर उसकी रक्षा करता रहा तो मैं अवश्य रूप से अवश्य भावी कहता हूँ कि वह जरूर वृक्ष होगा और तुम्हारे लिए ही नहीं सारे समाज के लिए उपयोगी होगा, सारे लोक कल्याण के लिए उपयोगी होगा। यही बात परमहंस रामकृष्ण देव से हुई। रामकृष्ण परमहंस जब गदाधर के रूप में अपने घर से निकले थे तो केवल 8 साल के थे और रानी रासमणी देवी ने नदी के गंगा घाट के ऊपर माँ काली की स्थापना की। उन्होंने उनको एक योग्य पुजारी की जरूरत थी तो उस समय पुजारी का मिलना पैसे तो रानी रासमणी की देवी के पास, लेकिन जो भी पुजारी आता काली का काली माता के पास या तो मछली का नैवेद्य होता था या तो शराब पीता, वो कहता था कि काली की साधना ऐसी है, माँ रानी रासमणी देवी को यह रास नहीं आया, वो कहते पूजा ऐसी नहीं होती। वो एक बार माँ काली के सामने आंख मूंद कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ
तेरी पूजा कौन अच्छा करने वाले संसार में मुझे मिलेगा, ऐसे पुरोहित को मेरे पास भेज दे, ऐसे पुजारी को मेरे पास भेज दे। उन्हें लगा कामार के एक छोटा बालक जो चलते चलते आठ वर्ष का बालक चलते हुए कलकत्ता की तरफ आ रहा है। माता ने उसको देखा कि ये बालक, माता ने इस बालक को क्यों बताया। माता उस बालक के लिए ढूंढने के लिए भेजी और कहा कि इस रास्ते से वो बालक आ रहा है। वो बालक को आते हुए देखा तो उनको लगा कि वो तो उस मंदिर के पुजारी का एकदम नजदीक का रहने वाला लड़का है। और उन्होंने कहा कि तुम इस माँ काली की पूजा करोगे। उसने कहा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मुझे पूजा भी नहीं मालूम, मैं माँ काली की पूजा कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन रानी रासमणी देवी ने लिखा कि ये मुझे माँ काली ने ही आदेश दिया है, मैं इसी को पूजा के रूप में लूंगी। बोले तू यहाँ रहेगा, धीमा धीमा सीख जाएगा। उसको कहा वो तो रानी रासमणी देवी है, कुछ गलती होगी तो एक दिन निकाल के बाहर फेंक दी मुझे, मैं पूजा करूं तो किस तरह करूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो आते थे माँ काली के पास में बैठ जाते थे और कहते थे कि माँ तेरे तुम्हारी पूजा कैसे करूं। रानी रासमणी देवी ने कहा कि हे जदाधर, तू ये क्यों जानता है, जब काली को माँ ही कहता है तो तू तेरी माँ की पूजा किस तरह करता है, तुझे माँ किस तरह देखता है, उसी तरह इस माँ को भी देख। कहा मैं माँ की तरफ देखता नहीं हूँ, माँ ही मुझे देखती है, तो वही कार्य कर, तुझे ही माँ देखेगी तो सामने बैठते रहे। रामकृष्ण परमहंस सामने बैठ गए। उन्हें भूख लगती तो उसे माँ भूख लगी और पीछे से आवाज आती तो पीछे देख कोई प्रसाद करी लेके आता और वो खा लेते। तो रानी रसमणी देवी एक दिन आ गई, अरे गदाधर तुझे मैंने देखा है कि तू कभी खाना खाने के लिए यहाँ से उठता नहीं, कभी माँ के सामने बैठा रहता है। बोले क्या जरूरत है, मुझे यही खाना मिलता है यही सो जाता हूँ। आपने तो कहा माँ को देखने के लिए, मैं माँ को देख रहा है और माँ मुझे देख रही है। रसमणी देवी को आश्चर्य लगा कि सचमुच इसे देख रही है, मैं रानी रसमणी देवी होकर उसको खाने नहीं दे रही हूँ, खाने को भी नहीं आता, यही बैठा रहता है। तो बोले नहीं तू, मैंने तेरे को अलग कमरा दिया है, पूजा करने के बाद जाके कमरे में सो जाया कर और वहां तू खाना खाया कर, वहां मैं खाना मुझे सब तो को बोल रही हूँ, वहां जाके खाना खाया कर। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा रानी रासमणी देवी उसने कहा है तो जाके कमरे में सो जाए, जाए और खाना खा ली जैसा ही रखा। तो खाना खाने बैठ गए तो उन्हें लगा कि खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा पहले दिन तो किसी भी तरह दो घास खाए, दो घास लिए और खाना छोड़ दिया और सोने गए तो उन्हें नींद नहीं आती, रात भर बेचैन से इधर उधर टहल रहे। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीसरे दिन उनको कह रहे माँ रासमणी देवी महारानी मैं चले जाता हूँ। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या मुझे, मैं वो कमरे में सो जाता हूँ तो माँ मुझे देखती ही नहीं, मैं भी माँ को देखता नहीं, मुझे नींद नहीं आती, खाना भी अच्छा नहीं लगता। रानी ने रासमणी देवी कहा कि ये यूं ही बातें करता है, क्या बात करता है, तुझे कैसा खाना चाहिए बोल, मैं खाने के लिए बता देती हूँ। नहीं मां मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं, वो कमरे में खाना अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं बैठ के खाऊंगा। तो राजा ने रासमणी देवी ने कहा कि ठीक है तू यहीं बैठ के खा जा। लेकिन उसने कहा वहां बैठ के जब खाने लगा तो कहने लगा कि माँ ये तेरा बनाया हुआ खाना नहीं है, तू जो भेजती है ना उसमें बहुत अच्छा लगता है, ये रानी रासमणी देवी जो बना के देती है वो खाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर दो दिन के बाद गया रानी जी मैं चला ही जाता हूँ। अरे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मेरे को माँ का दिया हुआ खाना ही अच्छा लगता है, माँ कहाँ खाना देती है तुझे, मुझे माँ खाना भूख लगता है तो माँ जरूर देती है, माँ देखती हूँ आज मैं तेरे साथ बैठ जाती हूँ, देखती हूँ माँ कैसा खाना देती है। फिर बैठ जा, बैठे और जब 12 बज रहे थे माँ काली के साथ बैठे हुए माँ काली को देखते निहारते रहे, फूल ले फूल डालते रहे, उनको पूछने आती माँ काली बोलते फूल डालते रहे। तो कहा माँ भूख लगी है, दो से ऐसा उन्होंने कहा माँ भूख लगी है, एक बार दो बार तीसरी बार जब माँ काली भूख लगी ऐसा कहा तो पीछे से एक आवाज है आ रही हूँ। रानी रासमणी देवी को सुनिया है कि आ रही हूँ, उन्होंने देखा इधर उधर कौन आ रहा है और वो क्या, अरे देख कौन आ रहा है, कोई कुछ नहीं किसी ने कहा है। जैसा ही रानी रासमणी देवी उत्तर कौन आया देखने गई तो रामकृष्ण परमहंस के सामने खाली थी। मैंने देखा यहाँ कोई आया नहीं, खाली कहाँ से आ गई। उस समय उनको रामकृष्ण परमहंस की उस दिव्यता का अनुभव हुआ कि जो माँ काली के सामने बैठकर खाना मंगवाने की शक्ति रखता है वो कितना सिद्ध साधक होगा। ये तो कोई इसके ऊपर माँ काली की कृपा, जैसे माँ काली ने बताया इसके ऊपर कोई ना कोई कृपा तो जरूर होगी जो कि इसके सामने खाली आती है।
जब एक बात रानी रासमणी देवी ने अपने सभी लोगों को बता दी तो सभी लोग रामकृष्ण को आश्चर्य से देखने लगे कि इनके पास क्या शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। उसी दिन रात में माँ काली जाकर कहती है, रामकृष्ण यह जो तू यश प्राप्त कर रहा है, यह कीर्ति प्राप्त कर रहा है ना, तेरे साधना में इसका इससे अड़चन निर्माण होगी। बोल दे ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर से जाके कमरे में जाकर खाना खा के जा, अगर ऐसा ही पड़ गया तो साधना नहीं कर सकेगा, साधना बंद हो जाएगी। रानी रासमणी देवी दूसरे दिन आई तो कहा, माँ रानी जी मुझे यहाँ खाना अच्छी नहीं लग रहा है, मैं कमरे में खाता हूँ। अरे क्या दीवाना है यार, कभी यहाँ बोलता है कभी वहाँ बोलता है, तेरी क्या परेशानी क्या है? कुछ नहीं है, माँ ने कहा मैं खाना कमरे में ही भेज दूंगी। और माँ ने कहा है कि रानी देवी रानी रासमणी देवी जो खाना भेजेगी वो खाना अच्छा है, इसलिए तुम कल से खाना भेज दिया करो, मैं कमरे में ही खाऊंगा। क्यों अब क्या होगा? रानी को लगा कि मैं तो इसकी गुणगान कर रही हूँ कि इसको माँ काली खाना भेजे, आज वो मेरे से खाना पूछ रहा है, क्या बात होगी। कहा जब माँ ने कहकर तुझे यहाँ भेजा है तो तू ही खाना खिलाना ना, अब माँ क्यों खिलाएगी, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तू खाना खिला, मैं तेरे पास नौकरी कर रहा हूँ, माँ के पास नहीं। अब माँ को लगा कि ये कब क्या बदलता है, किस तरह होगा, इसका पता नहीं। थोड़े दिन के बाद माँ काली को ये बैठे, माँ काली के पास बैठे थे और माँ का काली के पास रो रहे थे कि मैंने देखा है कि माँ तेरी पूजा दुर्गा पूजा कितनी धूमधाम से की जाती है, कितने वेद मंत्रों से तेरी पूजा की जाती है, मुझे तो कुछ नहीं आता, अब तुम मेरे को वेद मंत्र भी बोलने के लिए नहीं बोलती, ये मेरी साधना ठीक नहीं है ना, तो माँ है इसलिए मैं जैसा भी कर रहा हूँ मान ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो माँ, तेरी पूजा बहुत धूमधाम से हो, अच्छी हो, मुझे सिखाना, मुझे पढ़ा कि वो कैसे करना चाहिए। तो माँ काली ने कहा कि दादा तेरे लिए भैरवी योगेश्वरी को भेज रही हूँ, वो कल नदी के किनारे से नाव में आएगी और जहाँ माँ स्मशान है वहां खड़ी होगी, उसे बुला लेना। दूसरे दिन वो इंतजार कर रहे थे कि माँ काली ने ऐसा कहा है कि माँ भैरवी योगेश्वरी आएगी, उन्हें देखा कि भैरवी योगेश्वरी सचमुच स्मशान में नाव से आई उतरी तो उनका एक मामा का बेटा था भांजा, मामा था उनका, उस मामा का जा 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 वो आई है, वो एक भैरवी आई है वहां खड़ी है, उसको मेरे कमरे में बुला ले। तो मामा को लगा उस भैरवी को देखे तो वो बहुत नौजवाना है, सुंदर है, बोले इसकी मति मारी गई कि ये उसको बुला रहा है, ऐसे सुंदर स्त्री को बुलाया जाता है? तो उसने कहा जा मैं तुझे कह रहा हूँ कि माँ काली ने कहा है तू जाकर उसे लेके आ। गया और कहा कि तुम्हें गदाधर बुला रहे हैं जो अपने कमरे में काली के पुजारी है यहाँ, वो बुला रहे हैं। उन्हें कहा हाँ मैं उन्हीं के लिए आई, और वो जब आई तो कहा कि माँ की आज्ञा है गदाधर, मैंने आज तक तीनों को सिद्ध किया है काली पूजा में, दो तो गिरिजा, एक गिरिजा था और दूसरा देवीचरण था और तीसरे तुम हो, और तीसरे तुमको सिद्ध करने के लिए यहाँ आई। तो माता ने रामकृष्ण भगवान ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, माँ ने कहा तुम आ गई, अब बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा माँ की पूजा किस तरह करते हो? बोले मुझे कुछ भी पता नहीं। उन्होंने शास्त्रार्थ किया, घंटों बैठे रहते, बातें करते, सब करते, तो कहा मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ, क्या ठीक तरीके से कर रहा हूँ? तब माता ने कहा कि हे रामकृष्ण कौल मार्ग में ऐसे इसकी पूजा करोगे तो तुम बहुत सीधी जल्दी से पा जाओगे। कौल मार्ग क्या होता है? तो कुल मार्ग होता है जो कुल देवता कहलाए जाते हैं, इसको कुल देवी बना और इसकी साधना करें। जो ये कुल देवी की बात आई तो क्या माँ काली को सभी लोग कुल देवी बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा माँ काली को कुल देवी कोई नहीं बना सकती, जिसने माँ काली को कुल देवी बनाया उसका घर स्मशान हो गया, क्योंकि वो स्मशान में रहने वाली उसकी कुल देवी कैसे बनाऊंगी? तो स्मशान में आने बाकी तुम्हारे घर में कहीं किसकी आएगी? काली को कहाँ काली का स्थान है? स्मशान अलय वासनी कहा गया है, हड्डियों की माला डालने वाली और अपने पास रहने वाली वो घर में कुल देवी के रूप में किस तरह स्थापन होगी? उसने कहा माँ फिर मैं किस तरह पूजा कर सकता हूँ, ये तो स्मशान वासी है। उन्होंने कहा कि माँ को कुल देवी बनाने के लिए उसका नाम अलग है, उसे कुल देवी किस तरह बनाया जाता है ये मैं बताती हूँ कि कुल देवी किसने बनाई और इसकी पूजा का विधान किस तरह हुआ मैं ये बताती हूँ। और उन्होंने नव काली का नाम लेते हुए कहा कि माँ नौ प्रकार के रूप धारण करते हैं, जो कुल देवी के रूप में आपके पास आ रहा है शिव जी के ऊपर नीचे के मंत्र बोलते हुए बिलो पत्र चढ़ा दो, शिवलिंग के ऊपर और यंत्र के ऊपर बिलो पत्र चढ़ाना है। बिलो पत्र चढ़ा देने के बाद पांच बार आम क्रोम ह्रीम इस मंत्र को बोलना है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। आम क्रोम ह्रीम मैं बोलता हूँ, आपके और यंत्र के ऊपर आपका हाथ रखो, बाया हाथ हृदय पर रखो, यंत्र के ऊपर दाया हाथ रखो, जिसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। आम क्रोम ह्रीम आम क्रोम ह्रीम आम क्रोम ह्रीम
आम क्रोम भीम, आम क्रोम भीम। अब हो गई, आप मानस पूजन को देव महाराज बताएंगे, उस मानस पूजन को करो। जैसा वे अपने उंगलियों को बताते हैं कि नैवेद्यादि केवल मानसिक पूजन करते हुए यंत्र और माता को आपने को नैवेद्य धूप की नैवेद्य बताना है, वो मानसिक पूजा में बताएंगे। आप वो मानसिक पूजन उदय महाराज से सुनो। लम प्रोफिदत्वात्मकं गन्धं परिकल्पयामि, हम आकाशदत्वात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि, यम वायुदत्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि, रम मन्यदत्वात्मकं दीपं परिकल्पयामि, वम अमृतदत्वात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि, सम सर्वदत्वात्मकं ताम्बूराद्य सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। इस प्रकार मानसोक की मानसोक्चार पूजन यंत्र का माला का हुआ। अभी आप ओम ज्वाला समाकुलम नमः 11 बार बोल लो, उस शिवलिंग के ऊपर हाथ रखकर 11 बार नीचे का छोटा मंत्र 11 बार बोलो। अभी रुद्राक्ष माला को आपके हाथ में ले लो, माला को इस प्रकार आंखों को लगा लो और छोटे मंत्र लगा लो, उसका मेल आंखों को दोनों लगाकर यहाँ माला को नमस्कार करो। अब माला को इस उंगली को न लगा दे, इस उंगली को नहीं लगाना चाहिए, इस वो उंगली लगने से अपनी माला का जब व्यर्थ हो जाता है। ये गुरु की उंगली कही गई है, इस उंगली को न लगाते हुए इस प्रकार अपने अंगूठी वाली मुद्रा अनामिका पर माला को इस तरह रखना चाहिए और पैर को इस तरह पकड़ कर माला मंजप करना चाहिए। माला मंजप के लिए आप अभी आपको मैं देखो 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक एक माला, जितना भी हो सके आप 4 बजे तक एक माला मंत्र जप करो, जितना हो सके उतना मंत्र जप करो। उसके बाद मैं आहुति डलवाऊंगा, यही पूर्णाहुति होगी, उसके बाद यंत्र माला और उसको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। यहीं से साधना सिद्ध करके जानिए, घर पे जाके साधना करनी नहीं है। अब मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ कि जैसा साधक ने कहा है कि गुरु जी शक्ति दो तो मेरा खाना खा लो, आपने कहा खाना खाने के लिए खाना तो पकाना पड़ता है ना गुरु जी, अरे ठीक है भाई मैं खाना ही पका के देता हूँ, खाना भी पका दिया, बाद में गुरु जी वो मिलाना नहीं है, थाली कहाँ है, नहीं है ना, थाली भी दिया, थाली देने के बाद गुरु जी अब खाना उसमें क्या क्या मिलाना ये भी नहीं आता, मिला के भी दिया, बाद में आप क्या करेंगे, अरे भाई उठा के निवाला खा लो, तो गुरु जी हाथ जरा दर्द दे रहा है, कम से कम आखिरी क्षण में निवाला भी डाल रहा हूँ, तो निगलना तो आपको ही पड़ेगा जितना आपको करना है, इतनी साधना तो आपको करनी है, बाद में सीधी मेरी तरफ। एक घंटे का समय दे रहा हूँ, 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक आपको जितनी माला हो सकती है उतनी माला करो, उसके बाद आगे की साधना मैं बताता हूँ। आयलकों से निवेदन है कि उदय महाराज को लेकर होम अग्नि प्रज्वलित करें, इन सभी साधकों को माला होने के बाद आहुति डलवाऊंगा, 10 बार आहुति डालने की द्रव्य वहां रखें, इन सभी को उठा जो माला और यंत्र को हाथ में लेकर वहां आहुति डालने के लिए आएंगे, अग्नि का अग्नि की स्थापना होम कुंड के पास, होम कुंड कहाँ है बता दिया जाए। एक घंटे का समय दे रहा हूँ, एक घंटे तक आपसे जितना मंत्र हो सके उतना मंत्र करो, एक बार मन में ही गुरु जी का जयघोष कर लो और साधना आरंभ करो कि गुरु जी हमें साधना सिद्धि प्रदान करो, माँ काली का दर्शन हो जाए। अभी मौनता के साथ कोई भी गड़बड़ ना करते हुए साधना मंत्र करना है आपको, जैसा आता है वैसा मंत्र करो। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि साधना विधान माला का विधान इस उंगली को माला को न लगा देते हुए माला को मंत्र करना चाहिए, अनामिका पर लगना चाहिए अपनी माला और माला को इस तरह घुमाना चाहिए, उल्टा घुमाने से उल्टे लोग होते हैं, वो लोग उल्टा घुमाते हैं, अपने सीधे करना चाहिए। एक माला या जितनी भी माला एक घंटे तक होती है आप माला मंत्र करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण काल ज्ञान प्राप्त करना है। इस काली मंत्र का विशिष्ट स्थान ये है कि आपके आने वाले घटनाओं को पहले ही माँ बता देती है कि आप व्यापार करें तो इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपके आने वाले जीवन को इस मंत्र को 10 बार घर में बोल लेकर आप बाहर निकल जाए तो काम होगा या नहीं होगा, इसका इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसमें काली मंत्र की सिद्धि में आने वाली घटनाओं का मतलब अपने को पहले ही ज्ञान मिल जाता है अगर 10 बार भी हम इस मंत्र को बोल लेते हैं। आप हो सके तो इस यंत्र और माला को 40 दिन अपने घर में रखकर स्वयं सौ माला कर सकते हैं। नहीं है तो आप यही विसर्जित जाते जाते नदी में नर्मदा नदी में विसर्जित कर दो, कोई बात नहीं, साधना की सिद्धि का कार्य मैं देख लेता हूँ। लेकिन आपको आहुति 10 बार उस पान के ऊपर जो आपको आहुति सामग्री दी गई है वो पान के ऊपर 3 बीजाक्ष लेकर आहुति सामग्री लिखनी है, 10 बार मंत्र बोलते हुए उस सामग्री को सिद्ध करना है और उसके बाद इतने कुंड में प्रदक्षिणा एक प्रदक्षिणा करके स्वाहाकार से उस आहुति को डाल देना है। अब आप सभी की माला हो गई है तो आप स्टॉप हो जाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप माला खींचते रहो, केवल माला खींचो, सभी लोग माला हाथ में ले लें, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक एक मणि आप खींचते जाओ। मंत्र किस तरह पढ़ना होता है, माँ को किस प्रकार बुलाने से माँ बात करती है हमारे से या माँ आती है, मैंने सबको बताया। छोटा ही मंत्र होता है, छोटा ही अपने कहने का होता है। अगर हम गुरु मंत्र को ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ये है तो नमः का मंत्र है, यानी पूर्ण नमन होकर बोलना चाहिए, उसको छोड़कर ओम परम नारायण परम जैसा गुरु जी को मार रहे हैं ऐसा मंत्र नहीं बोलना। मंत्र बोलते समय हमारे में गुरु जी को ऐसा लगे कि ये नमन कर रहा है मुझे, हम मंत्र करते करते समय हमारे को जल्दी सवाल पूर्ण करना होता है, हम मंत्र को उच्चारित कर जाते हैं। मंत्र को किस तरह उच्चारण करना चाहिए, उस मंत्र से किस प्रकार की सिद्धि होती है और किस प्रकार का होता है, हम उस ध्वनि से, इसीलिए गुरु से मंत्र इसलिए लेना चाहिए कि ध्वनि किस प्रकार की हो। नमः बोलते समय मंत्र को किस प्रकार बोले, स्वाहा बोलते समय किस प्रकार बोले, फट बोलते समय किस प्रकार मंत्र का उच्चारण हो, ये ध्वनि गुरु जानता है। और गुरु जब मंत्र बोलता है तब, क्योंकि मैं वहां बैठा हूँ लेकिन आपके मंत्र की ध्वनि मेरे पास पहुंच रही है, माँ काली कह रहे हैं अरे यार ये लोग एक 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 बोल रहे हैं, अब मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ आपको कहाँ गलती हुई उसका पता चल जाता है। ओम मृत्यु भयंकरी अट्टाट हसनी सागर प्रिय महाविष्ट रूप करे सुवर्ण हस्ते यमनी कृंदनी सर्व दुख प्रशमनी ओम 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 हूं 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 शीघ्रं सिद्धि मे प्रेच्छ हरौं अह स्वाहा। मैं बोल रहा हूँ एक एक मणि खींचते जाओ। ओम रुद्र भयंकरी अट्टाट हसनी सागर प्रिय महाविष्ट रूप करे सुवर्ण हस्ते यमनी कृंदनी सर्व दुख प्रशमनी ओम ओम हूं 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 शीघ्रं सिद्धि मे प्रेच्छ हरौं अह स्वाहा। ओम रुद्र भयंकरी अट्टाट हसनी सागर प्रिय महाविष्ट रूप करे सुवर्ण हस्ते यमनी कृंदनी सर्व दुख प्रशमनी ओम ओम हूं 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। Thank you.
सिद्धाश्रम की, नम सिद्धाश्रम साधक